आज जंतर मंतर जाएंगे अरविंद केजरीवाल, आप बोले खिलाड़ियों के साथ खड़ी रहेगी पार्टी। जंतर मंतर भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ धरने पर बैठे पहलवानों का समर्थन करने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शनिवार को जाएंगे। इस दौरान वह खिलाड़ियों से बात करेंगे और उनकी मांग का समर्थन करते हुए केंद्र सरकार से कार्रवाई और उनकी मांग का समर्थन करते हुए केंद्र सरकार से कार्रवाई की अपील करेंगे। खिलाड़ियों के साथ खड़ी रहेगी आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता व दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज और आतिशी जंतर मंतर पहुंचे। उन्होंने खिलाड़ियों से बात की और आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार की ओर से पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया। इस दौरान आतिशी ने खिलाड़ियों से उनकी समस्याएं और जरूरतें भी जानी। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार खिलाड़ियों की सभी जरूरतें पूरी करेगी और उनकी समस्याओं को भी दूर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत के खेल मंत्री अनुराग ठाकुर इन खिलाड़ियों को अनुशासनहीन बोल रहे हैं, यह गलत है। आज देश की बेटियां सड़क पर बैठी हुई हैं। आप कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और देश को गौरव लाने वाली बेटियों को सड़क पर बैठाना पड़ रहा है, तो आपके राज में एक भी बेटी सुरक्षित नहीं है, क्या बोले पूनिया और कादियान। धरने पर बैठे पहलवान बजरंग पूनिया ने कहा कि पुलिस हमें यहाँ पर कुछ सामान भी नहीं लाने दे रही। जो सामान लेकर आ रहा था पुलिस ने उसे पीट कर भगा दिया। जब तक न्याय नहीं मिल जाता हम लड़ते रहेंगे, भले ही पुलिस प्रशासन हमें कितना भी प्रताड़ित करे। वहीं सत्यव्रत कादियान ने कहा कि यह अच्छी बात है कि FIR हो गई है, लेकिन क्या हमसे हमें न्याय मिल जाएगा। दिल्ली पुलिस को पहले ही दिन रिपोर्ट दर्ज करनी चाहिए थी। कागजों पर तो हमारी लड़ाई अब शुरू हुई है,